हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे एंड आशा करती हूँ आप लोग की छठ पूजा बहुत अच्छे से गई होगी। एंड हमारी तो बहुत ही अच्छे से गई है, बहुत ही ज़्यादा ही, मतलब इस बार जैसे कि फर्स्ट तरीके से फर्स्ट बार हुआ भी तो मतलब बहुत ही हुई, यानी अच्छे से पार लगाया। सो उम्मीद करते हैं हर बार ऐसा ही हो। एंड ये रहे रिया। हाय गाइस। तो ये कहती है मैं भी आज वीडियो स्टार्ट करूंगी साथ ही साथ में। मैंने कहा चलो करते हैं इकट्ठे ही फिर। और अभी हम जा रहे हैं काम करने के लिए और मम्मी मतलब सोई हुई है, उनको नींद आ रही है, मतलब उतनी देर अभी नींद पूरी नहीं हुई है छठ पूजा उजा करके जैसे, तो अभी सो रही है। तो वही कह रही हूँ अभी। फिर गणेश भी अभी गए हैं आंटी के साथ घूमने के लिए, मतलब दुकान गए हैं। एंड देखते देखते इतना सेब दुख रहा था ना, मैं तेलिए परसों लगाई थी और तब से ऐसे ही लगा हुआ है। और फिर कल रात को भी रख ली, बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा था। एंड आज वॉश करना है, धोऊंगी। ये देखो कैसे सो रही हैं मम्मी। मम्मी ये देखो इतनी नींद आ रही है, देखो अभी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है बिस्तर। ओ आ रहे हैं, धूप बड़ी तेज हुई है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। हे गाइस, यहाँ पे मम्मी ठंडी के लिए हल्के हल्के कपड़े निकाल रही थी। अभी स्टार्ट तो होने वाली है बट हल्के हल्के निकाल ले रही हैं यहाँ पे, और मशीन भी लगा हुआ है साथ ही साथ। हे गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कितने सारे कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा ही हैं, और धोते धोते शाम हो गई थी। एंड अभी मम्मी भी आराम कर रहे हैं और रिया और कनिश मतलब कार्टून देख रहे हैं। सो मैं भी बस आराम कर रही थी और खाना खुना भी बन गया है, बस मैं बर्तन धुलने जा रही थी। और कपड़े बहुत ज़्यादा ही हो गए थे एक्चुअली छठ पूजा के पहले, मतलब हाँ उसी दिन से मतलब इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ, तब से आज धुला है, बहुत ज़्यादा ही था। और एंड फिर बाल बुल धो के मैं नहाई, बहुत ज़्यादा ही मैं तेल तूल लगाई थी जैसे मैंने सुबह बताया था। और अभी तो जुकाम इतना हो गया ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब गला और ये सिर दर्द, नाक, मतलब इतना सब कुछ अजीब सा लग रहा है ना, दर्द हो रहा है। पापा नहीं आए हैं, भी आने वाले हैं, और कनिष ने जलेबी मंगाई अपने नानू से तो भी लेके आएंगे। और मैं जा रही थी बस बर्तन धोने और खांसियाँ भी लगने लगी, लगता है खांसी भी हो जाएगी, तो बहुत ठंड सी भी लग रही है। अब शाम को नहाई भी ना, बाल धो के इस करके, और धोना भी था, कल जाना है इस करके फटाफट, मतलब आज ही मतलब धोई सब कुछ, मतलब कपड़े कपड़े भी धुलवा ली। मैंने कहा आज और रुक जाती हूँ फटाफट करवा लूँ फिर मतलब कल आना, क्योंकि ना मेरे भी कपड़े जो भी थे उसी में सब थे तो धुलने ही वाले थे, तो मैंने कहा आज धो लेते हैं उसके बाद फिर कल आराम से निकलेंगे। एंड आज कहीं जाना भी था तो वहाँ भी नहीं जा पाए। ये देखो भाई, नानी की सेवा होने जा रही है, मेरा बाबू तेल वो लगाने जा रहा है ना। लगा लो, लगाओ, गिरा। हाँ भैया तेल लगा रहे हैं। अरे बड़ी ठंड लग रही है। बस गिर रहा सारा। रख दो कपड़ा, गुर्जर को दो। चलो अब लगाओ, लगाओ हाथ में, रगड़ दो। आ गए। ना लो, कुर्ता खराब है लाला। अब नानी के लगाते लगाते अपने ही लगाने लगे, देखो तो देख लो इनको। ये कौन सी सेवा है बाबू, नानी के करते करते अपने करवाने लगे। इधर देखो कनिष, बस करो बस करो, मेरे भी लगा दो। कुर्ता कहाँ से लाया? दिल्ली से लाया हूँ। दिल्ली से लाए हो? कितने का? 10 का। 10 रुपए? कितने का? 10 रुपए। इनका कुर्ता दिल्ली से आया है। किसके साथ गए थे लेने? किसके साथ लेने गए थे? किसके साथ लेने गए थे? किसके? डैडी तो गए नहीं थे, बोल रहे थे मैं तो नहीं गया था। किसके साथ गए थे? किसके साथ? रैन तो नहीं गिर रहा है ना, लगाओ रहने दे। हाँ चोट लग रही है,
मेरे तेल लगा रहे हैं पैर में, कह रहे हैं रहन दो निकल ही रहा है, तेल लगा रहे थे मेरे, कह रहे दिल्ली से आया है कुर्ता, दिल्ली से गए थे लेने डैडी के साथ।